हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ओलिविया एंटिका। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं अरुणाचल से हॉस्टल आ गई हूँ एंड मैंने क्यों सारा व्लॉग्स एंड वगैरह नहीं बनाया था, मैं आपको आगे आगे ज़रूर बताऊँगी इस वीडियो में। तो मैं अभी फ़िलहाल हॉस्टल में आ गई हूँ और मैं आज शायद शूट करने वाली हूँ अ डे इन अ हॉस्टल। अगर आप एक हॉस्टलर हो तो आपको ज़रूर आप इसको रिलेट कर पाओ, अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ देख लीजिए कि एक लाचार हॉस्टलर का लाइफ कैसा होता है। So without further ado, let's get started. And before that, if you are new, please hit the subscribe button and notification bell को भी दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं पहुँचेगा तो मेरे पास आपका प्यार कैसे पहुँचेगा। Bye. लाइफ अपडेट, मैं अभी ब्रश करके आ गई हूँ, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। मैं रूमी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया है। मैं तो इतनी आलसी हूँ कि मैं कभी नहीं जाऊँगी मेस में ब्रेकफास्ट लेने। हमारा 8:30 बजे से ब्रेकफास्ट देता है, बट अभी बज चुके 9:30, तो ये पूरी पापड़ बन चुका होगा, बट स्टिल हम खाएंगे इसको बिकॉज हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। सो दिस इज़ हाउ हॉस्टल का ब्रेकफास्ट लुक्स। रोज़ हमें ये नहीं मिलता है, आज लक अच्छा है तो ये मिला, तो इसे खाते हैं। हाँ, तो अभी मेरा एग्ज़ाम शुरू हो जाने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर मेरे जितने भी व्लॉग्स होंगे उसमें या तो मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं या तो मेरे शुरू होने वाले हैं या तो मेरे ख़त्म हो गए, आपको यही सुनाई देगा बिकॉज़ हमारे कॉलेज में तो और कुछ आता नहीं है, इनको बस दो ही चीज़ आता है, या तो एक एग्ज़ाम लेना और दूसरा भी एग्ज़ाम लेना। मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि हमारा अभी स्टडी लीव दिया है तो उसको यूटिलाइज़ भी तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी मेरी रूममेट जिस लगन से पढ़ती है ना, तो मुझे भी थोड़ा अपने ऊपर दया आता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। सो या, मैं भी पढ़ूंगी, आपको शायद पढ़ना नहीं दिखाऊं, अजीब लगता है ना। बाय। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैंने एक्चुअली व्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो द एक्चुअल रीज़न इज़ दैट कि मैं एक्चुअली बहुत डीमोटिवेटेड हो गई थी अपने घर पे जाने के बाद। द थिंग इज़ कि मुझे लगने लगा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपको फन फैक्ट बताती हूँ कि मेरे पास आईफोन नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ना जो यूट्यूबर्स और जो मतलब क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन सबके पास आईफोन होता है एंड कितना अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, बट मुझे लगने लगा था कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला बिकॉज मुझे नहीं आएगा, मेरा क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है कैमरा का जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे अगर जो चीज़ मुझे करने में अच्छा लगता है वो मैं करूँगी और मैं उसमें अगर कंसिस्टेंट रहूँगी तो क्यों अच्छा नहीं होगा, है ना। आप लोग बोलो, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे ना। सो यही एक रीज़न था कि मैं पूरा डिमोटिवेटेड हो गई थी और मैंने लिटरली मैंने एक भी व्लॉग नहीं बनाया था ये सोचकर कि मेरे से नहीं होगा। और जो वो व्लॉग था ना, वो लाइक शायद 2 महीने पुराना था जो मैंने वीडियो बनाया था एंड नाउ मेरे एंड सेमेस्टर्स कुछ दिनों के बाद ही आने वाले हैं, तो मैं शायद ये कुछ टाइम बाद एडिट करके डालूँ बिकॉज मुझे पढ़ना भी पड़ता है। देखो आपको मैं सच्चाई बता रही हूँ, पढ़ती तो हूँ ना, आफ्टर ऑल पढ़ाई में तो अच्छी हूँ। सॉरी, ज़्यादा तारीफ हो गया अपना। सो हाँ, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि यही रीज़न था, बट नाउ मुझे लगता है कि मेरे पास जो भी हो ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उससे पड़ता है आपका सपोर्ट और मेरा कंसिस्टेंसी। सो या, यही था। और आगे का क्या, अभी मैं थोड़ी देर बाद नहाने जाऊँगी, फिर लंच करेंगे। मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि हमारे लंच में क्या होता है बिकॉज ओह गॉड, इट्स नॉट गुड, व्हाटएवर। मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वो भी एंड उसके बाद आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ बिकॉज मेरा रोज़ अलग डे होता है एंड ऑब्वियसली कि हर हॉस्टलर्स का सेम डे होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं हो कि ये सबका अलग अलग होगा, है ना। तो या बाय। हाय गाइस, तो अभी हे आई एम बैक एंड हम लोग यहाँ पर खाने आए हैं अभी बिकॉज हॉस्टल का खाना जैसे कि आप लोगों को पता है कि अच्छा नहीं होता है, तो कभी कभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं खाने। ये हमारे कॉलेज के बहुत में ही पास में है, इसका नाम है तंदूरी जंक्शन और मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। सो या, तो मैं क्या खाऊँगी आपको जल्दी दिखाऊँगी। बाय। सो मैं ये इरिटेटिंग लोगों के साथ आई हूँ जो यहाँ पे मेरे सामने गुपचुप कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेरी वेरी कैजुअल ड्रेस, डेनिम जैकेट ऑफ माय फ्रेंड बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, लेन देन करते हैं। हॉस्टल में आप होंगे तो आपको पता होगा कि एक दूसरे का कपड़ा ही पहना जाता है। अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा है मुझे, देखो तो क्या मस्त फ्रेम में लिया। मैं ये एडिट कर दूंगी, टेंशन मत लो। मैं
बिरयानी लिया है और मेरे फ्रेंड ने मोमो लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कुछ खास नहीं है बट फाइन, फार बेटर देन आवर हॉस्टल एंड द जो हॉस्टल उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, एफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, सो या इट्स टेस्टी, यू कैन ट्राई। वन डे अबाउट कॉलेज लाइफ इज दैट कैन आई नो मोर थिंक अबाउट योर मतलब एग्जाम, घंटा फटने पड़ता है आपको एग्जाम के लिए, खाना इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम जाए बाहर में पहले खा लेते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि ये हमारा अड्डा है, तो हम लोग खा लिए हैं और अभी हम लोग शूट एंड डेयर खेलने वाले हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा उसका गेम प्ले दिखाऊंगी, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आप बोर हो जाओगे। डे एंड हम आए हैं यहाँ पर, चाय सुट्टा बार नहीं है बट सामने का दुकान जरूर है, तो यहाँ पे सब लोग आते हैं। कम हेयर बाय दिस रोड, इट्स नियर पेट पूजा, इफ यू नो इट्स इन आजरा, यू कैन कम, यू शुड कम एक्चुअली। हाँ तो मैं यहाँ आइसक्रीम खा रही हूँ और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से खा के जरूर अब चले जाएंगे। सम इरिटेटिंग पीस ऑफ शिट इज इरिटेट रुइनिंग माय वीडियो, वर्षा को बोल देना कि बट इट्स ओके। सम इरिटेटिंग पीस ऑफ शिट पार्ट टू आल्सो रुइनिंग माय वीडियो बट इट्स ओके। कहाँ से आते हैं? हाय, सो मैं अभी जा रही हूँ कॉलेज बिकॉज आई एम फीलिंग बोर्ड, बाय 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 बाय, लव यू गाइस, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज बोर मत होइएगा मेरा ब्लॉग्स देखकर, बाय बाय। रीच्ड माई हॉस्टल एंड मैं आपको दिखाऊँ या नहीं मेरा हॉस्टल पता नहीं, बट लेट मी वॉक वॉक, बस चलते रहो, ये मेरा हॉस्टल है। अभी मैं अपना रूम जाऊंगी एंड देन फ्रेश होंगी, फिर पढ़ने बैठेंगे एंड देन द एवरीथिंग विल बी सम अप, सो या आई गेस दैट्स इट, बाय।